बहुत अच्छा फीलिंग आया। और पापा तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, और उससे ज्यादा मम्मी, एनडीए की तैयारी करना है और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है। कि हम लोग जितना भी संघर्ष किए ना सर, आज सफल हो गए। शुरुआत से ही संघर्ष जारी था, फुल फैमिली का सपोर्ट था और टीचर लोग का भी पूरा सपोर्ट था। देश भर लोकसभा चुनाव के इस बिगुल से छाया पड़ा, लेकिन बिहार में एक ऐसा भी घर है जहां से 10वीं के छात्र ने बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। सुगबुगाहट इतनी है कि लोगों का तांता इनके घर पर आ चुका है। जी हां, बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड में आज आए नतीजों के बारे में। मैट्रिक की परीक्षा हुई, मैट्रिक में जो टॉपर किए हैं उनका नाम है शिवांकर कुमार, और वो पूर्णिया के यादव टोला के रहने वाले हैं, जिनके घर पर हम आए हैं और आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से लोग इनके घर पर लगातार आ रहे हैं। ये वो घर है जहां से शिवांकर ने अपनी पढ़ाई की है। सीधे हम आपको शिवांकर तक लिए चलेंगे और हम बात करेंगे, दिखाएंगे इन परिस्थितियों को, सारी चीजों को। अब देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार फोटो खींचने वालों का भी तांता लगा हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो शिवांकर आपको। शुरुआत कैसे हुई, ये मुकाम कैसे हासिल हुआ? शुरुआत से ही संघर्ष जारी था, फुल फैमिली का सपोर्ट था और टीचर लोग का भी पूरा सपोर्ट था। अच्छा, आपने कहाँ से पढ़ाई की है? अभी प्रेजेंट में 10th क्लास में मैंने टॉपर्स पॉइंट पूर्णिया ज्वाइन किया, जो ये चितला मंदिर के पास है जहाँ रविंदर से पढ़ाए करते थे। और स्कूलिंग कहाँ से कर रहे थे? स्कूल जिला स्कूल पूर्णिया, वहाँ पे भी हमारा फेसबुक लाइव क्लास हो रहा है, जिसमें उससे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। एक चीज बताइए, रिजल्ट आ जाना था, क्या उम्मीद कर रहे थे, कितना प्रतिशत आएगा, क्या आएगा, टॉपर की उम्मीद थी? हाँ, टॉप रैंक टॉप 10 में था, उम्मीद आ जाएंगे। टॉप कर गए, जब नतीजे देखे, रिजल्ट देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा फीलिंग आया। और पापा तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, और उससे ज्यादा मम्मी पूरी एकदम खुशी के मारे झूम रही थी। पापा भी उनके साथ। क्या नाम है सर आपका? संजय विश्वास। संजय विश्वास जी, बताएं, उम्मीद थी कि टॉप करेगा बिहार में पूरे? 100%। कैसा संघर्ष रहा है इसका? मेहनत तो करता ही है, अच्छा साथ में जीनियस भी है, इस वजह से कॉन्फिडेंस ज्यादा बनता है। अच्छा, आप बताएंगे या वो खुद से बता देंगे कि आगे इनको क्या करना है? एनडीए की तैयारी करना है और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है। अच्छा, लोग बोलते हैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, आप सीधे एनडीए की तैयारी करें, क्या शुरुआत से ये लक्ष्य है आपका? जी हाँ, कहीं ना कहीं था कि देश का सेवा करना है, क्योंकि उस जो ये इस लाइन में जो सम्मान मिलता है वो कहीं नहीं। देश की सेवा में एक आर्मी को जो सम्मान दिया जाता है, वो आज के जमाना में किसी भी सेक्टर में ये सम्मान नहीं मिलता है। अच्छा, आपकी क्या ख्वाहिश थी बेटा, बड़ा होकर क्या बने? जो जिस भी लाइन में जाना चाहता है जा सकता है, यही खुद सेलेक्ट करे कि आपको किस कौन सा लाइन चूज करना है खुद से। अच्छा, ये बताइए, मैट्रिक की परीक्षा जब आपने दी, रिजल्ट जब तक आया, इस बीच क्या किए हैं? इस बीच बस वो एनडीए की तैयारी के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे थे। एक चीज जानना चाहेंगे शिवांकर, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पास नहीं कर पाए होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाएंगे, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे एज ए टॉपर, एज ए स्टूडेंट? नहीं, ज्यादा दुख की बात नहीं है, क्योंकि जिंदगी बस 10th क्लास में ही नहीं सिमट जाएगा, आगे भी है, 12th है, ग्रेजुएशन है, और उसका एक गोल है, क्योंकि जो 12th में फेल करके भी यहाँ अपने यूपीएससी तक क्रैक किया है, और इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस आगे के लिए तैयारी कीजिए। अच्छा, आपके वहाँ हम देख रहे हैं कुछ ट्रॉफीज वगैरह भी, क्या शुरू से आपको पढ़ाई से, शिक्षा से रिलेटेड ट्रॉफीज वगैरह मिलती रही है? हाँ, ट्रॉफी तो मिली है, बस शुरुआत से ही बस अच्छा रैंक आता था, हर एक फर्स्ट करते थे क्लास में और स्कूल में अच्छा रैंक आता था। अच्छा, एक चीज बताइए शिवांकर, जो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, जब आपने पढ़ाई शुरू की होगी, जाहिर सी बात है ऐसे फैमिली से हम लोग आते हैं, बिहार के हैं, पूर्णिया जैसे जगहों पर है, जिला स्कूल में पढ़ाई की है, टॉप करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? बचपन से ही बेस अच्छा था,
सर पापा भी बोलते थे दीदी बेस अच्छा है, तैयारी करो बस हो जाएगा। आपकी फैमिली में और कौन कौन है घर पर? घर में पापा है, मम्मी, एक भाई है, बड़े वाले, बड़ी दो बहन है। सबका सपोर्ट कैसा रहा फैमिली का, घर वाले का? अरे पापा का भी सपोर्ट बहुत ज्यादा था, मम्मी का भी चाहिए, तो मेरा भैया का देन है, राइटिंग मेरा। भैया कहाँ है आपके? ये भैया। भैया अच्छा, ये बैठिए, आपसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है बिहार टॉप कर गया? होता है स्टेट जिला टॉप करने की बात, ये पूरा बिहार टॉप कर गया। हाँ, बहुत खुशी मिल रही, बहुत अंदर से हम बता नहीं सकते कितना खुशी मिला, वो इसकी मेहनत के कारण और इसी के पूरा मेहनत है। ये तो कह रहे कि भैया का मोटिवेशन है। हाँ, हम तो थोड़ा बहुत बताते थे कैसे करना है, क्योंकि मतलब हम लोग से जो मिस हुआ था जिस कारण हम लोग का बहुत अच्छा नहीं हो पाया। पापा तो चाहते थे इस वही हम इसको बताए, गाइड किए थोड़ा थोड़ा, बाकी सब सर लोग भी इसका गाइड किए, पापा का पूरा योगदान। चलिए हम पापा से बात करेंगे, जब तक आप मम्मी और बाकी लोगों को भी बुला लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब ये पढ़ाई करता था कभी ऐसी चिंता लगी कि पढ़ा होकर कैसे क्या करेगा, पढ़ाई में कैसे इसको आगे बढ़ाना है या टॉप करने के लिए जो भी चीज़ है? नहीं, कभी इस तरह का चिंता नहीं हुई ना। और इसकी उस हिसाब से उम्मीद ज्यादा नहीं बनता था, क्योंकि हम इसको वॉच भी करते थे, है ना, पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहा है कि नहीं। क्योंकि ये अब ये माता जी है इनकी, एक बार आप देख ले, पूरे बिहार के लोग बिहार के इस टॉपर को देख लीजिए, साथ में इनकी पूरी फैमिली है। कैसा लग रहा है बेटा पूरे बिहार में टॉप किया है? बहुत अच्छा लग रहा सर, उम्मीद भी था, ऐसा नहीं है, इसका पढ़ाई, इसका मेहनत और लगन देख कर ईमानदार से, मतलब ईमानदारी से पढ़ा है, ऐसा नहीं कि वो रंग सीधा साधा बच्चा, अभी उतना बड़ा हो गया कोई दुनियादारी का ज्ञान, बस किताबी ज्ञान है सर। अच्छा एक चीज जानना चाहते हैं हम, तो इससे पूछ चुके हैं कि ये क्या करेगा, आपकी क्या ख्वाहिश है बेटा बड़ा होकर क्या बने? सर ये तो जो चाहेगा वही ना, इसका जो मतलब क्वालिटी मतलब अपना है, ये करेंगे वो करेंगे, उसमें तो अब हम लोग का सहयोग रहेगा ना सर। तो कितनी मेहनत करते थे सर? तो बस पढ़ना है तब सोच लीजिए, खाने का कोई ऐसा खाना पीना रखा हुआ, खा लो बस, खा रहे हैं बस, यही इसका देखिए, यही बताए। रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन रहा? शिवांकर बता रहा है काफी खुश थे आप। हाँ सर, जी सर बहुत खुश थे, इसलिए कि देखिए मेरा जब से एग्जाम दे के आता था ना, उस दिन भी बोलते थे, मतलब एग्जाम दे के आया खाना देते, बोलते नहीं पहले खाएंगे, नहीं पहले मतलब उसको मतलब देखता था क्वेश्चन को कितना किए नहीं किए दोनों बाप बेटा, मतलब इनको भी हम बोलते थे कि आप ऐसा क्यों करें, पहले बच्चा को खिलाइए, बच्चा पहले खाएगा उसके बाद कल के लिए देखिएगा, नहीं पिछला आज कितना क्या करके आया है उस मतलब पहले उसको देखेंगे, तब जब देख लेते बोलते थे बेटा तुम्हारा 99% एकदम मार्क्स आ जाएगा, तो हम बोलते अरे खिलाइए ना, तो नहीं पहले ये फिर उसके बाद फिर कल के लिए तैयार हो जाता था ये लोग पढ़ने के लिए, तो हम बोलते थे कि अरे खा लो ना, इसलिए इसका मतलब मेहनत ईमानदारी देख के ना इस बोलते थे कि नहीं तुम तो करेगा और अगर नहीं करेगा तो घर से निकाल देंगे, तो ये क्यों हंसता था, मम्मी निकाल दीजिएगा। हम लोग जितना भी संघर्ष किए ना सर, आज सफल हो गए, आज मतलब पहला ये सीढ़ी पे चढ़ा है, और उम्मीद करते हैं सबका आशीर्वाद रहे कि मेरा बेटा मतलब देश का नाम रोशन करे, इस पूर्णिया का नाम रोशन करे, और सबका अपने परिवार का भी नाम रोशन करे, सबका योगदान मतलब रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।